हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? ये वीडियो गेमिंग का जो मैंने आपको एक माइनिंग बोर्ड दिया हुआ था, ठीक है, इसमें दो तीन तरह के हम इसमें माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोफाइल पे आप क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे वर्ड पॉइंट भी है, ठीक है, ये वर्ड पॉइंट है, ये भी कॉइन्स है, ठीक है, इसमें अलग अलग कॉइन्स होते हैं, तो ठीक है। तो अभी इसमें वर्ड कॉइन जो है ना, इसका जो विड्रा है ना, ये स्टार्ट हुआ है, इसका जो लिस्टिंग है 23 तारीख को इसका लिस्टिंग है। तो इसको हमने किस तरह विड्रा करना है, आपके पास जितने भी पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हमने किस तरह विड्रा करना है, डायरेक्ट इसको हम वॉलेट पे भी ले सकते हैं, और इसको हम जो है बिटगेट का जो एक्सचेंज है ना, वहाँ पे भी ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ आपने क्लिक करना होगा। तो इसको जब आप अभी ओपन करोगे ना, तो आपको स्टार्ट का ऑप्शन पहले आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब आप इसको स्टार्ट करोगे, जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो ठीक है, जब स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पे अभी आपका जो माइनिंग होगा ना, ये जी जो है ना टिकट, ये जो हमें मिलते थे यहाँ पे, ये वाले जिस पे हम यहाँ पे ये स्पेन भी कर इस पर कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? और इसको हम यहाँ पे एडो ये अर्न पे जाके यहाँ पे आपने इसको भी अर्न करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस पे आप क्या काम कर सकते हो, ये टिकट जो है ना, यहाँ पे आप इसको ये एंट्री यहाँ पे जो इसका एयर ड्रॉप होता है ना, ये अभी 4000 डॉलर का जो पोल है USDT का, इसको आप कर सकते हो एंट्री पे। जब आपके पास मतलब अभी इस पे कितने लगते हैं, 10000 मेरे पास, तो यहाँ पे आपने एंट्री लेना है, ठीक है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इसको मतलब मिस किया हुआ है, जो नहीं करते थे, मैं खुद भी नहीं किया हुआ है, ये नहीं कि मैंने किया हुआ है, लेकिन आपको मैंने अपडेट दिया हुआ है कि स्टार्ट करें, ये करें, वो करें। तो जिन लोगों ने मेहनत किया होगा उसको इसका अभी सिला मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया है जैसा मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे इसका कोई सिला नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने जाके ये इन्वाइट है, इन्वाइट भी कर सकते हो, मेन पे जाए, तो आपने अभी हमने इसको ये वोट पॉइंट जो है ना, इसको हमने किस तरह विड्रा करना है, आपने एयर ड्रॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एयर ड्रॉप पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, अनलॉक योर एयर ड्रॉप, ठीक है। इस पे अभी इसमें कितना टाइम रह गया, 1 day 22 hours का टाइम रह गया है, ठीक है। तो मेरा कितना बैलेंस है यहाँ पे, टोटल मेरे पास ये बैलेंस पड़ा है, ठीक है। अपने अनलॉक योर इस पे क्लिक करना है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये आपकी जो जर्नी होगी ना, यहाँ पे आपको दिखाई देता है बिफोर योर इस तरह ऑफ योर जो भी है, ठीक है। तो ये अभी ऊपर से चलता रहता है, खुद ही ये इस तरह एंड होता रहता है, ये यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। आपने कुछ भी इस पे नहीं करना है, ठीक है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप दो दो किस्म का इसका विड्रा कर सकते हो, ठीक है। एक एक में आपको परसेंटेज है वो ज़्यादा मिलेगा, एक पे आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब ऊपर जो है, ये आपके टोटल पॉइंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे शो माई वाट, अभी इसके जितने भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसके बाद नीचे आपको मिल जाएंगे कि आपको ये पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो शो माई वाट पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरे टोटल कितने थे, वोट पॉइंट थे, और मुझे वोट पॉइंट कितना मिला, ठीक है, ये मुझे मिले 688, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे दो किस्म का क्राइटेरिया है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, समझिए। अगर इस पे आप क्लिक करते हो, ये देखे ये, तो इसका क्या है, मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ। इस पे जो परसेंटेज है ना, 1.5, और इस पे जो है ना, इस पे 1.5 है। इसका क्या मतलब है कि अभी आप जो है ना, आपको मतलब कितने कितने इस पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे अगर इस पे आप करते हो, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके अभी आपको कितने मिल जाएंगे, 344 नाउ एंड 3165 आफ्टर थ्री मंथ्स, ये जो है ना, ये आपको बाद में मिलेगी, लेकिन 5.1x के साथ मिलेगी, समझ गए बात को। और यहाँ पे अगर आप आ जाए ना, तो 688 नाउ एंड 344 जो है ना, ये आपको आफ्टर थ्री मंथ्स, मतलब यहाँ पे आपको अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पे आपको फिलहाल कम मिलेगी, ठीक है, अभी जब आप इसको विड्रा करोगे, समझ गए बात को। तो उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ के बाद जो कम आपको मिलेगी ना, उसका 1.5 होगा, मतलब इसका जो परसेंटेज है, ठीक है, और इसका ज़्यादा भी है और परसेंटेज भी ज़्यादा है, समझ गई बात को। ये आपको 3 मंथ के बाद मिलेगा, ये भी 3 मंथ के बाद। तो आपने जाना किस पे, अगर इस पे जाना है या इस पे जाना है, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने लिए सोचे कि 3 मंथ के लिए आपने स्टिक कर सकते हो अभी फिलहाल। मतलब आपके अगर 4000 पॉइंट है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, 4000 आपके पॉइंट है, तो 1000 इस पे अगर आप जाए, ठीक है, मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ, ताकि फिर ये ना आप पूछे कि ये हमें समझ नहीं आया, ठीक है। आपके पास मतलब 4000 पॉइंट है, आप अगर इसके साथ चलते हो तो अभी आपको मिल जाएगी उससे मतलब 1000 पॉइंट्स, और आपके 3000 जो है ना, वो 3 मंथ के लिए यहाँ पे स्टेक हो जाएंगे, और उसका जो है ना, उसका 5.1 के साथ आपको मिलेगा आगे 3 मंथ के बाद। मतलब वो आपके 3000 हो गए ना, तो वो शायद 1 लाख 2 लाख आपको मिल जाएंगे, समझ गए, मैं सिंपल सा बताता हूँ। और यहाँ पे अगर आप जाते हो ना, तो आपके 4000 पॉइंट है, तो आपको 3000 अभी मिल जाएंगे डायरेक्ट, और 1000 पॉइंट जो है ना, वो आपके 3 मंथ के लिए स्टेक हो जाएंगे, उस पर आपको 1.5, मतलब अगर 3 मंथ भी इसके गुजरे ना, तो आपको 5-6 या 10 मिल जाएंगे, समझ गए, सिंपल सा मैंने बताया, ठीक है। तो आपने जिसके साथ भी जाना है, मैंने फिलहाल इसके साथ जाना है,
या मैं इसके साथ ही चलता हूँ, मैं इसको लॉक करता हूँ ताकि आगे मुझे इसका ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आपने इसके साथ जाना है, जितने आपके पॉइंट्स है आप खुद ही सोचिए। मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपने अपना वॉलेट जो है ना, सबसे पहले आपने आके अपने वॉलेट को, आप अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करें। आप अपने वॉलेट को अगर आप अभी भी चेंज करना चाहते हो वॉलेट को, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से। तो ये आपका वॉलेट है, यहाँ पे आप देख लें, ये आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप कोई और वॉलेट इसके साथ करना चाहते हो तो आपने डिस्कनेक्ट पे क्लिक करना है। मैं डिस्कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं कनेक्ट टर्न वॉलेट, मैं कनेक्ट टर्न वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। पहले मैंने इसका ये वाला किया था, ये वाला जीता, ठीक है। अभी मैं ये टर्न कीपर करना चाहता हूँ, समझ गए। जो भी अगर आप करना चाहते हो तो चेंज करें, ठीक है। मैं टर्न कीपर पे क्लिक करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना टर्न कीपर इसके साथ लिंक करूँ अभी, ठीक है। तो मैं कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं वॉट को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ टर्न कीपर के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा टर्न कीपर यहाँ पे कनेक्ट हुआ, समझ गए बात को, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो अगर आपने है तो, ठीक है, ठीक है। अभी आपने फिर यहाँ पे एयर ड्रॉप पे आके यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो पहला प्रोसेस था वो तो मैंने किया, ठीक है। आपने ये इस पर क्लिक करना है, सेट क्लेम टाइप हो, मैं ऊपर पर जाता हूँ, मैं इसको स्टेक करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने ही पॉइंट है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ आपका वॉलेट आ जाएगा, कनेक्ट डिफरेंट वॉलेट भी का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप चेंज करना चाहते हो। नहीं, मेरा बस वही ये लगा है इसके साथ, कन्फर्म पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है। क्लेम कन्फर्म, ठीक है। ये अभी जो है ना, ये आपका क्लोज हो गया, समझ गए बात को। यहाँ पे ये 3 मंथ के बाद मुझे मिलेगा, और ये जो है ना, ये अभी मुझे डायरेक्ट यू विल बी एबल टू क्लेम, ये मुझे अपने मेरे वॉलेट पे चले जाएंगे 23 तारीख को, जब इसका लिस्टिंग होगा। उससे 5 मिनट पहले भी हो सकता है, 2 घंटे पहले भी हो सकता है, समझे। ऐसा ना हो फिर आप बोले ये तो मेरे वॉलेट पे नहीं आए, या मेरे आपने करना इस पे नहीं है। मैं आपको अभी आपको बताता हूँ, अगर आपने इसको एक्सचेंज पे करना चाहते हो, ये तो मैंने वॉलेट पे किया ऐसी वजह से क्योंकि मैं इसको स्टे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पे करना चाहता हूँ क्लिक। तो अभी मैं चलता हूँ अपने मेरे दूसरे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको डायरेक्ट एक्सचेंज पे किस तरह लेना है, ठीक है। सेट क्लेम टाइप पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेट क्लेम टाइप पे जो भी करना है, ये वाला करना है या ये वाला करना है, मैंने अभी एक्सचेंज के लिए इस पे करना है, ठीक है। क्योंकि इसको मैं लेना चाहता हूँ, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर बोलेगा कि आपने मून क्लब के साथ जाना है या आपने डायरेक्ट जाना है। यस आई एम श्योर, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, इस पे नहीं करना है ये वाला, ठीक है। एक्सचेंज पे हमने डायरेक्ट लेना है, फ्री में लेना है, ठीक है। यस आई एम श्योर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। फाइनल अमाउंट जो है आपका, फाइनल अमाउंट ये आपको आ जाएगा, और उसके बाद आपने क्लेम टू वॉलेट और डिपोजिट टू बिट गेट एक्सचेंज, उस पर आपने क्लिक करना है डिपॉजिट। अगर आपने अभी भी आपका अगर बिटगेट एक्सचेंज नहीं है ना, ठीक है, तो आप इस पे ले ले, ठीक है। अगर है तो इस पे ले ले डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है डिपॉजिट एक्सचेंज पे आपने क्लिक करना है। यस आई हैव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या देना है, बिटगेट UID, ठीक है, और एड्रेस आपने देना है डिपॉजिट एड्रेस। अभी मैं चलता हूँ अपने बिटगेट के मेरे दूसरे मोबाइल के ऊपर। अच्छा, तो ये मैंने अपना बिटगेट का एक्सचेंज ओपन किया हुआ है, ठीक है। इधर मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है इसके ऊपर, आपने डायरेक्ट इस पे लेना है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो इस पे आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। इस पे ये top 3 एक्सचेंज में से है, ठीक है। तो उसके बाद जब इस पे आप अकाउंट बनाए, ठीक है, तो उसी तरह सेम आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उधर आपसे क्या मांगा था, डिपॉजिट UID आपका ये हुआ, यहाँ से आप इसको कॉपी करें, ठीक है। ये UID यहाँ से अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका UID ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से आप लोग कॉपी करें, ठीक है। ये इस तरह आपने कॉपी करना है, उधर जाके आपने उधर पेस्ट करना है, और बाकी उसके बाद आके यहाँ पे आपने ये डिपॉजिट पे आप क्लिक करें डायरेक्ट, या एसेट्स पे क्लिक करें, नीचे एसेट्स पे क्लिक करके एड फंड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। डिपॉजिट क्रिप्टो पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर सर्च करना है वॉट कॉइन, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप देख ले यहाँ पे वॉट कॉइन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब इस पे आप क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे टर्न चेन के ऊपर है ये, ठीक है, सेम। तो ये उसका एड्रेस है, यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करें, वहाँ पे डाल दे, और फिर उसमें आपने काम करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट फिर उधर डालता हूँ, ठीक है, ये दोनों सही। तो यहाँ पे मैंने अपना बिटगेट UID भी डाला है, और डिपॉजिट एड्रेस उधर जो मैंने आपको बताया उसी तरह आपने उधर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। फिर UID को मैं चेक भी करता हूँ, कंफर्म करता हूँ एड्रेस, ठीक है मेरा। तो UID को मैं चेक करता हूँ, 3168903168902892, 02892, ठीक है। ये
ठीक है, तो आपने नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फिर से वही ऑप्शन आएगा, अपना एड्रेस देके, यू आई डी देके, केवाईसी पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यू मे लास्ट यू टोकन इफ दी यू आई डी आर वॉलेट एड्रेस इज इनकरेक्ट, वो तो हमें भी पता है, अगर आपने इसमें कोई चीज़ भी गलत डाला तो आपको कोई कॉइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म करें, कन्फर्म पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लेम कन्फर्म दो, ठीक है। आपको मतलब ये जो है ये पॉइंट्स आपको आ जाएंगे 688 आ जाएंगे, और ये 344 जो है ना ये 3 मंथ के लिए स्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कुल इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह आपको आएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है ना आपने डिपॉजिट डायरेक्ट उधर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको शो भी होता है, ये आप देख ले, गेट यू आई डी, ये अपने एड्रेस यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। इस तरह आपने इस पर काम करना है। अगर किसी का गेट के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आके इसको बना ले, तो उधर ट्रांसफ़र करें, क्योंकि अभी इसमें एक दिन का टाइम है, ठीक है। तो उसका जो वेरिफिकेशन है वो आपका हो जाएगा 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, ठीक है।